हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल न्यू ब्लड पुनीता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये जो बड़ा सा आपको लोहे का ये एंगल जो दिख रहा है, ये लगेगा जहाँ पे हैंगिंग प्लांटर मैंने टांगा था वहाँ पे लगेगा। और ये मैंने बनवाया है, वाशिंग मशीन का स्टैंड बनवाया है लोहे का, क्योंकि वाशिंग मशीन के नीचे अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने इसे बनवाया है। मैं इसको इसके ऊपर वाशिंग मशीन रख दूँगी और नीचे की जो क्लीनिंग हुआ है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना यहाँ पे ये जो सारे प्लांट है वो मैंने यहाँ उठा करके रख दिया है। और ये देखिए, ये लोग आए हुए थे, मिस्त्री थे और लेबर थे, तो अभी ये दीवार को तोड़ रहे हैं उस एंगल को जाम करने के लिए। और यहाँ पे ये लोग जाम भी कर रहे हैं, पर ये साइज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। जो आए थे साइज़ लेने के लिए, नाप लेने के लिए, उन्होंने नाप अच्छे से नहीं लिया था, इसलिए इस एंगल को बार बार वो चढ़ा रहे थे, नाप रहे थे, फिर उसे उतार दे रहे थे। और बहुत टाइम हो गया था ये करते करते। फिर जिन्होंने ये एंगल बनाया था उन्होंने अपना दिमाग लगाया, वो बोले कि मैं इसे काट के फिर साइज़ थोड़ा छोटा कर दूंगा, फिर ये सही से आ जाएगा। तो वो चले गए थे वो जो लोहा काटने वाली मशीन होती है वो लेने के लिए, और जो वेल्डिंग मशीन होती है वो लाने चले गए थे वो, कि अभी मैं लेकर आता हूँ। तो मैंने सोचा तब तक मैं सब्ज़ी काट करके रख देती हूँ जो मैं आज डिनर में बनाऊँगी। आज काम ज़्यादा था तो मैंने कुरुड़ू ही काट लिया, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है। मुझे बाहर भी देखना था और किचन भी देखना था कि डिनर भी जल्दी से तैयार हो जाए। अब बाहर क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, मुझे ही देखना था। वो लोग बहुत सारे सामान भी मंगा रहे थे, तो वो बच्चों से मैं मंगवा रही थी, बगल में ही मिल जाते हैं सारे सामान, जैसे ये चौघड़िया हो गई चढ़ने वाली, तो ये सारे सामान लाने थे तो मैं यहीं पर थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, वो इस एंगल को एक एक इंच कट कर रहे हैं। जब उन्होंने एक इंच काट दिया ये एंगल को और फिर उन्होंने वेल्डिंग कर दिया था, तो ये बहुत ईजली इस खिड़की के ऊपर अच्छी तरीके से फिट हो गया था। तो मैं यहीं पर थी, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वो चीज़ मंगा देती थी। और एक जो यहाँ तीन लोग आए थे, तो इसमें से एक लोग बच्चों के साथ ज़रूर जाते थे और सामान वही लेकर आते थे, बस बच्चे साथ में जाते थे उनके। और मैंने कुरुड़ू भी कट कर ली है। और अभी जो है ये रुपेश वीडियो बना रहा है, इसीलिए कैमरा जो है वो हिल रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कटने के बाद उन्होंने यहाँ से जो है जोड़ा था, वेल्डिंग किया था, और कुछ इस तरह से वेल्डिंग कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये देखिए। और जब ये वेल्डिंग हो रहा था तो मैंने रुपेश को वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि जो उसमें से रोशनी आती है वो आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। फ़ोन मैंने रुपेश से ले लिया था जब वेल्डिंग हो रहा था, तो और उसे हटा दिया था। अब मैं भी जब वो वेल्डिंग कर रहे थे तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और अब वो फिट करके खिड़की को जो वो एंगल था, और यहाँ मसाला बाहर वो बना रहे थे, क्योंकि घर में कहाँ बनाते, तो वो बाहर ही मसाला बना लिए। और यहाँ पर ये खिड़की को जाम कर रहे हैं, ये देखिए एक बाहर खड़े हैं और दो लोग अंदर से हैं, पकड़े हुए हैं एक लोग खिड़की को, और एक मिस्त्री जो है वो जाम कर रहे हैं। और ये सब काम होते होते काफ़ी रात हो गई थी। मैंने आपको दिखाया उस वक्त 6:30 हो रहे थे, और जब ये एंगल लग गया उस समय बज रहे थे रात के 8:30। ये इस समय जो है वो मिस्त्री लोग इस समय गए थे, उनके जाने के बाद मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि देखिए फ्रेंड्स कितनी गंदगी हो गई है। और मौसम भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, और मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि 1 घंटा तो कम से कम बारिश ना हो, क्योंकि अभी अभी तो जाम हुआ है एंगल, पर बारिश तुरंत शुरू हो गई। मैंने भी सफाई शुरू ही की थी तब तक तो मतलब बारिश शुरू हो गई थी। वो जब चले गए तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं डिनर तैयार करूँगी। और आज मुझे सिर्फ कुरुड़ू की भुजिया ही बनानी थी, तो मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेती हूँ फिर चलूँगी किचन में। पर सफाई जैसे ही मैंने शुरू किया, अभी मैंने इस गलियारे को ही साफ़ किया था, इतना तेज़ आंधी और पानी आया, बहुत काफ़ी तेज़ आंधी और पानी आया। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बहुत ज़ोर का आ गया था, मैं सफाई ही कर रही थी अभी, तभी तो पानी शुरू हो गया। और रुपेश वहाँ खड़ा है, देख रहा है कि ये देखिए अभी लगा है और पानी शुरू हो गया है, ये देखिए।
अब भगवान से प्रेयर कर रही हूँ पानी जल्दी से बंद हो जाए और जो लगा उसको नुकसान ना हो कोई। क्या बताऊँ, मैंने सफाई भी बंद कर दी क्योंकि पूरा पानी जो है पानी पानी हो गया है। देखिए पूरा पानी पूरा शुरू हो गया है। चलिए मैं चलती हूँ खाना बना लेती हूँ, तब तक बारिश अगर कम होगा तो मैं सफाई कर लूँगी, पर अभी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अभी मैं खाना ही बना लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इसमें मैंने आधे चम्मच के लगभग मेथी दाना डाला है और ये लहसुन और मिर्चा है, और मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, ये भुजिया बना रही हूँ तो सिर्फ लहसुन और मिर्चे से ही तड़का लगा लूँगी। और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें क्रूड डाल दूँगी। और दूसरी साइड में मैं रोटी भी बना ले रही हूँ लगे हाथ, पर पानी अभी तक बंद नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम तक पानी जो है वो बरसा था। और मैं सब्ज़ी में सिर्फ थोड़ी सी नमक, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी ही डालूँगी और उसे फिर मैं ढक ढक कर पका लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुरड़ू की भुजिया बनाने में और टेस्टी भी बहुत लगता है, हेल्दी भी होता है और बिल्कुल कोई मसाले नहीं जाते हैं। आप चाहें तो मसाले डाल सकते हैं, पर मैं कोई मसाला नहीं डाली थी, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी बने थे। और मैं अब इसे मिक्स करके और मैं इसे ढक दूँगी, मतलब ये गलने के लिए छोड़ दूँगी इसे 5 से 10 मिनट तक। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि जब से वो मिस्त्री लोग आए थे तब से मैं खड़ी थी, फिर सफाई कर रही थी, फिर बारिश होने लगी और फिर मैं चली आई डिनर बनाने के लिए। जब डिनर बन गया उसके बाद मैं सफाई की, इसलिए सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से मैं थक गई थी, साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी। और एक वीडियो जो होता है वो बनने में बहुत मेहनत लगती है, हमें अपने घर के काम के साथ साथ इसको भी मैनेज करना पड़ता है, यूट्यूब के काम को भी, तो बहुत टाइम लगता है। फ्रेंड्स जो यूट्यूबर होंगे उन्हें तो पता होगा कि दोनों काम हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। और डिनर बन गया था, मैं आ गई हूँ सफाई करने, बारिश बंद हो गई थी और बच्चे भी साथ में लगे हुए थे। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए प्लीज़ फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का हो रहा है, अभी सुबह के देखो एक मिनट 7:30 हो रहे हैं और मैंने अभी सफाई तो कर दी, घर की जो क्लीनिंग होती है झाड़ू पोछा वो मैंने कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाने जा रही थी कि जो कल रात को हम सफाई किए थे ग्रिल लगने के बाद जो हमने सफाई की थी तो वो कैसी लग रही है और ग्रिल लगने के बाद से कैसा दिख रहा है जो हमारा उधर का एरिया है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो मैंने उस दीवार पे जो रखा था, जो छोटे प्लांटर में जो मैंने प्लांट लगा के रखे थे उन्हें मैंने कहाँ रख दिया है। तो मैं चलती हूँ आपको ये दिखाने, और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लांट को मैंने कहाँ रखा है। ये देखिए, ये मैंने सारे प्लांट रख दिए यहाँ पर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्लांट को कहाँ रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो पहले से ही यहाँ पर था, बाकी ये जो है ये सब हैं, ये सब उसी दीवार के ऊपर रखे हुए थे और मैंने अभी इसे यहाँ रख दिया। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा खिला है ये, और ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो आप ये देखिए, मैं अभी इसे कहीं और लगाऊँगी पर अभी सोचा नहीं है कहाँ लगाऊंगी, इसलिए अभी मैंने इसे यहीं पर रख दिया है, बाद में देखती हूँ कि कहाँ रखूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, और ये देखिए मैंने अभी अभी पोछा लगाया है तो पूरा फर्श आपको गीला दिख रहा होगा, ये देखिए अभी अभी जस्ट मैंने पोछा लगाया है। और ये देखिए सब हमने धुल दिया था और जो कूलर यहाँ पर रखा हुआ था वो कूलर उठा के यहाँ कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जाली लगने के बाद से बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखिए, पर थोड़ा सूना सूना लग रहा है कि जो हैंगिंग प्लांटर थे और जो मैंने एक विंग चैन लगाया हुआ था जो बजता था हमेशा, हवा जब भी थोड़ा भी हवा चले तो बहुत अच्छा उसमें से साउंड जो है बहुत अच्छा आता था, वो सब हट गया है, थोड़ा सूना लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल यही है, मैं कुछ ना कुछ इधर करूँगी ज़रूर।
इधर के एरिया का मैं मेकओवर करूँगी और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कूलर अभी यहीं पे है, कूलर अभी सेट होगा। अभी मिस्त्री आए थे तो ये सब प्लास्टर किए हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ इन्होंने जाम किया था वो सभी प्लास्टर कर दिया है इन्होंने। तो उसके बाद ही मैंने सफाई किया था। वो तो सुबह ही आ गए थे, 6 बजे आ गए थे, 1 घंटा में वो सारे काम करके चले गए हैं। तो और इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, आप उसे भी वॉच करिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।